हेलो फ्रेंड्स, यह है मेरा फोरियर सीरीज़ के ऊपर नेक्स्ट वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्रीज इन फोरियर सीरीज़। तो इस टॉपिक के अंदर हम फोरियर सीरीज़ के अंदर सिमेट्री की क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब सिमेट्री हमारे फोरियर सीरीज़ के अंदर कैसे इम्पोर्टेंट है इसकी बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक्स टी सिग्नल है और इसके अंदर आपने सिमेट्री का पता लगा लिया कि इसके अंदर कौन सी सिमेट्री है। तो अगर आपको इसके अंदर सिमेट्री का पता लग जाएगा तो इसके लिए आपका फोरियर सीरीज़ कोफिशेंट कैलकुलेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये सब हम देखेंगे कि फोरियर सीरीज़ कोफिशेंट निकालना कैसे आसान हो जाता है जब हमको सिग्नल के अंदर सिमेट्री का पता होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को डिस्कशन करना। तो सिमेट्रीज के अंदर हमारी पहली सिमेट्री आती है इवन सिमेट्री। अब हम यहाँ पे इवन सिमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम ये जितने भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो रियल सिग्नल के लिए पढ़ेंगे। यहाँ पे इसका मतलब एक्स टी हमारा रियल होगा। इसका मतलब जो एक्स टी है इसका कॉन्जुगेट एक्स टी के इक्वल आएगा, और जो एक्स टी है यहाँ पे हमारा इवन है इसका मतलब एक्स ऑफ माइनस टी यहाँ पे इक्वल आएगा एक्स ऑफ टी के। तो यहाँ से इसका फोरियर सीरीज कोफिशियंट आएगा सी माइनस एन का कॉन्जुगेट, और इसका फोरियर सीरीज कोफिशियंट है सी एन। यहाँ से इसका आ गया सी ऑफ माइनस एन, और इसका फोरियर सीरीज कोफिशियंट आ गया सी ऑफ एन। ये मैंने सब आपको फोरियर सीरीज कोफिशियंट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कशन कर रखा है कि इसका फोरियर सीरीज कोफिशियंट ये आता है, इसका फोरियर सीरीज कोफिशियंट ये क्यों आता है। तो यहाँ से आप दोनों तरफ कॉन्जुगेट लीजिए तो सी ऑफ माइनस एन इक्वल टू हो गया सी एन का कॉन्जुगेट, और सी ऑफ माइनस एन इक्वल टू है सी एन के। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि सी एन का जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल टू आ गया है आपके पास सी एन। इसका मतलब ये है कि जो सी एन है वो हमारा रियल है। किसी सिग्नल का कॉन्जुगेट वही सिग्नल आ जाए यह तभी पॉसिबल होता है जब हमारा वो सिग्नल रियल हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सी एन हमारा है रियल। इसको फर्दर और समझते हैं। आपको पता है कि जो सी एन है वो इक्वल टू होता है ए एन माइनस जे बी एन डिवाइडेड बाई टू। अब यहाँ से हमने देखा कि जो सी एन है वो रियल है, इसका मतलब जो बी एन है वो इसके लिए क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी एन है वो ज़ीरो होगा। इसको मैं एक तरीके से और समझाऊंगा, अभी पहले ये तरीका हम देख लेते हैं। तो बी एन इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो जो सी एन है वो इक्वल टू आ गया आपका ए एन डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे जो ए एन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। जब मान लीजिए कि ए एन पॉजिटिव हो, तो ए एन जब पॉजिटिव होगा तो एंगल ऑफ सी एन कितना आएगा, एंगल ऑफ सी एन आएगा एंगल ऑफ ए एन, ये इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ज़ीरो डिग्री। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है केवल डीसी टर्म में, तो डीसी टर्म का एंगल कितना होता है ज़ीरो डिग्री। अगर ए एन नेगेटिव हो, अगर ए एन नेगेटिव होगा तो ये आएगा एंगल ऑफ माइनस वन, क्योंकि ए एन तो डी सी टर्म है, तो डी सी टर्म का एंगल के अंदर कोई कंट्रीब्यूट नहीं होता। और माइनस वन का एंगल कितना आता है, ये आता है आपका प्लस माइनस पाई, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस जे प्लस माइनस जे पाई। तो जो इसका एंगल है वो इक्वल टू हो गया आपका प्लस माइनस पाई। तो अगर हमारे सिग्नल के अंदर इवन सिमेट्री हो तो उस कंडीशन के अंदर जो सी एन का जो एंगल आता है वो या तो ज़ीरो डिग्री आएगा या आएगा प्लस माइनस पाई या प्लस माइनस 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई रियल सिग्नल है उसका अगर हम फेज स्पेक्ट्रम प्लॉट करेंगे तो जो एंगल आएगा, जो एंगल आएगा इसका ये एंगल है एंगल ऑफ सी एन, तो या तो ये ज़ीरो हो सकता है या ये प्लस माइनस पाई हो सकता है। इवन सिमेट्री अगर सिग्नल के अंदर है तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो सी एन का मैग्नीट्यूड प्लॉट कर रहे हो आप और यहाँ पे पाई बाई टू आ गया। अगर इसके अंदर इवन सिमेट्री है तो या तो आएगा आपका पाई आ सकता है, या आ सकता है माइनस का पाई, या आ सकता है ज़ीरो डिग्री, यहाँ पे भी ज़ीरो डिग्री आ सकता है। तो या तो पाई डिग्री आएगा, सॉरी पाई आएगा, पाई का मतलब 180 डिग्री आएगा, प्लस 180 डिग्री या माइनस 180 डिग्री, या फिर आएगा आपका ज़ीरो डिग्री। तो अगर हमारे सिग्नल के अंदर इवन सिमेट्री है तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा मैग्नीट्यूड जो फेज स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर या तो पाई आएगा एंगल या 180 डिग्री या फिर ज़ीरो डिग्री आएगा एंगल। तो ये तो हमने बात की अगर कोई सी सिग्नल के अंदर इवन सिमेट्री हो तो उसका जो फेज स्पेक्ट्रम होगा उसके अंदर क्या क्या होता है हमारा। तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर इवन सिमेट्री है तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा सिग्नल होगा
उसका जो फोरियर सीरीज कोफिशियंट आएगा, उसका जो जो हम फेज स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हैं, वो उसका जो एंगल आएगा वो या तो 180 डिग्री आएगा प्लस का या माइनस का, या फिर आएगा 0 डिग्री। अब हम इसके अंदर ए एन, बी एन और ए नॉट की बात करते हैं। आपको पता होगा कि जो ए नॉट है वो इक्वस टू होता है 1/T इंटीग्रेशन -T/2 टू +T/2 (x(t)dt), क्योंकि यहाँ पे आपकी इवन सिमेट्री होने का मतलब (x(-t) इक्वस टू है (x(t) के। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये इक्वस टू हो जाएगा 0 to T/2 (x(t)dt। तो ये आ गया ए नॉट। तो यहाँ पे जो ए नॉट है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ सकती है, या इसकी वैल्यू ज़ीरो भी आ सकती है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ज़ीरो भी आ सकती है, या कोई डेफिनेट वैल्यू भी आ सकती है। ज़ीरो कैसी आएगी? मान लीजिए कि कोसाइन सिग्नल है हमारा, तो ये होगा आपका -T/2, और जो ये पॉइंट होगा ये होगा आपका प्लस का T/2, ये होगा -T/4, ये होगा प्लस का T/4। तो आप यहाँ से जब इंटीग्रेशन करोगे 0 से T/2 तक, तो जो जो एरिया आएगा वही एरिया आएगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो ए नोट है वो हमारा 0 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो ए नोट है वो हमारा 0 ना हो, जैसे ये भी हमारा एक इवन सिग्नल है, पर इसके अंदर जो ए नोट है उसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो अगर किसी सिग्नल के अंदर इवन सिमेट्री हो तो हम ए नोट के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू कुछ आ भी सकती है और इसकी वैल्यू कुछ ना भी आए, या तो 0 आ सकती है या नॉन जीरो भी आ सकती है। अब हम कमेंट करते हैं बी एन के बारे में। तो बी एन का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे। बी एन इक्वस टू होता है 2/T इंटीग्रेशन -T/2 टू +T/2 (x(t)। यहाँ पे आएगा आपका (sin(n)ω0t dt। अभी जो पूरा जो हमारे पूरा जो फंक्शन है ये हमारा एक ओड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये तो इवन है और ये ओड है। इवन इंटू ओड इक्वल टू होता है आपका ओड। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 0, तो जो बी एन है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसका मतलब अगर सिग्नल के अंदर हमारी इवन सिमेट्री है तो उसके लिए हमको बी एन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और ए एन की बात करें अगर हम, तो ए एन इक्वल टू होता है 2/T इंटीग्रेशन -T/2 टू +T/2 (x(t) cos ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी। क्योंकि ये पूरा का पूरा इवन फंक्शन है तो इस कंडीशन के अंदर जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा डबल इसका 0 to T/2। यानी आप 0 to T/2 कैलकुलेट कर लीजिए और जो इंटीग्रेशन है इसका डबल कर दीजिए। तो डबल होने पे 2 × 2 = 4 हो गया, 4/T (x(t) cos ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ये आ गया आपका यहाँ से ए एन। तो यहाँ पे हमने पढ़ी इवन सिमेट्री। इवन सिमेट्री के अंदर हम ए नॉट के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, बी एन 0 होता है, ए एन होगा उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगी। इसके अलावा हमने इसके फेज स्पेक्ट्रम की बात की। फेज स्पेक्ट्रम के अंदर हमने कहा कि जो एंगल ऑफ सी एन है वो या तो पाई आएगा या -π आएगा या फिर आएगा 0। तो ये हुई हमारी इवन सिमेट्री। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑड सिमेट्री के बारे में। तो ये हमारी सेकंड सिमेट्री ऑड सिमेट्री। तो ऑड सिमेट्री का मतलब (x(-t) इक्वस टू होगा हमारा -x(t), और क्योंकि हम यहाँ पे केवल रियल सिग्नल की बात कर रहे हैं तो (x(t) का कॉन्जुगेट इक्वस टू आएगा आपका (x(t)। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो (c(-n) है वो इक्वस टू आ गया है -C(n) के, और यहाँ से जो (c(-n) का कॉन्जुगेट है वो इक्वस टू आ गया है आपका (c(n) के। इसका जो फोरियर सीरीज कोफिशियंट होगा वो होगा (c-n) का कॉन्जुगेट और इसका होगा (c(n)। तो दोनों साइड हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो (c(n) का कॉन्जुगेट आ गया (c(-n) के इक्वल, और (c(-n) है -C(n) के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो (c(n) का कॉन्जुगेट है वो इक्वल टू आ गया है आपका -C(n) के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो (c(n) है हमारा वो प्योरली इमेजनरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो (c(n) इक्वल टू होता है वो होता है हमारा (an) -J(bn) / 2, क्योंकि यहाँ पे आपका जो (c(n) है वो प्योरली इमेजनरी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो (an) है जो ऑड सिमेट्री है उसके लिए ए एन इक्वस टू होगा 0, ये हम कह सकते हैं। तो हमको ए एन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, केवल हम कैलकुलेट करेंगे वहाँ से बी एन। तो ये हो गया हमारा (c(n) इक्वस टू -J(bn) / 2।
तो अब बात करते हैं हम एंगल ऑफ सी एन की। तो एंगल ऑफ सी एन, जब बी एन पॉजिटिव है, बी एन पॉजिटिव है तो ये आ गया एंगल ऑफ माइनस जे, तो ये इक्वल टू आ गया आपका माइनस पाई बाई टू। अगर बी एन आपका नेगेटिव है तो जो एंगल ऑफ सी एन आएगा वो आएगा एंगल ऑफ जे के, जो कि आएगा आपका पाई बाई टू के। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी अगर सिग्नल के अंदर और सिमेट्री है और उसका अगर हम फेज स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हैं या एंगल ऑफ सी एन प्लॉट करते हैं, तो जो एंगल है इसकी वैल्यू है तो आपके पास आएगी प्लस पाई बाई टू, ये आएगी आपकी माइनस ऑफ पाई बाई टू। इसके अलावा और कोई एंगल नहीं आएगा, जीरो डिग्री नहीं आएगा, केवल केवल आएगा या तो पाई बाई डिग्री सॉरी पाई बाई टू, या फिर आएगा माइनस पाई बाई टू। या तो पाई बाई टू एंगल आएगा या आएगा माइनस पाई बाई टू एंगल, इसके अलावा ज़ीरो नहीं आ सकता। जैसे मान लीजिए कि ये है एंगल ऑफ सी एन, आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया जिसके अंदर आपको जो एंगल ऑफ सी एन या फेज स्पेक्ट्रम आपको दे रखा है, और आपको फेज स्पेक्ट्रम दे रखा है ये पाई बाई टू है, फिर है आपका माइनस पाई बाई टू, यहाँ पे है आपका माइनस पाई बाई टू, और ये है आपका यहाँ पे प्लस पाई बाई टू, और ये एन के साथ एंगल ऑफ सी एन को प्लॉट किया है। और आपको इस जो ये प्लॉट है इसको देख के पूछ लिया कि बताइए कि जो हमारा सिग्नल है एफ एक्स ऑफ टी, जिसका फोरियर सीरीज कोफिशियंट है सी एन, तो वो किस टाइप का सिग्नल है। तो आपने देखा जो फेज स्पेक्ट्रम हम यहाँ पे देख रहे हैं उसके अंदर एक तो एंगल प्लस पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू है, और इसके अलावा कोई भी एंगल नहीं है। तो हम आसानी से कमेंट कर सकते हैं कि इसके अंदर है आपकी ओड सिमेट्री। तो हम एक्सटी के बारे में बता सकते हैं कि एक्सटी के अंदर ओड सिमेट्री है, केवल इसके फोरियर सीरीज कोफिशियंट के फेज स्पेक्ट्रम को देख के। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे ये है हमारा एंगल ऑफ सी एन, ये है ज़ीरो, एक है ज़ीरो डिग्री, ये है पाई बाई टू, और ये है माइनस पाई बाई टू। क्या इसके अंदर ऑड सिमेट्री है? इसके अंदर ऑड सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर ज़ीरो डिग्री एंगल भी प्रेजेंट है। यहाँ पे ज़ीरो डिग्री एंगल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका जो एंगल है वो पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू ही प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई भी एंगल प्रेजेंट नहीं है, तो हम श्योरली बोल सकते हैं कि उस सिग्नल के अंदर आपकी ऑड सिमेट्री होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम साइन ऑफ टी की बात करें और इसका हम फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालते हैं, तो ये हो गया आपका e टू द पावर जे टी माइनस e टू द पावर माइनस जे टी डिवाइडेड बाई टू जे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो सी वन आएगा आपका, सी वन आएगा वो आएगा वन डिवाइडेड बाई टू जे, और सी ऑफ माइनस वन आएगा वो आएगा माइनस वन डिवाइडेड बाई टू जे। तो जो सी वन है ये इक्वल टू आ गया माइनस जे डिवाइडेड बाई टू, और जो सी ऑफ माइनस वन है वो आ गया जे डिवाइडेड बाई टू। तो जो एंगल ऑफ सी वन है वो आ गया आपका माइनस जे का मतलब माइनस पाई बाई टू, और जो एंगल ऑफ सी माइनस वन है वो इक्वल टू आ गया आपका पाई बाई टू। तो ये अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें तो माइनस वन पे एंगल आ रहा है पाई बाई टू, और वन पे एंगल आ रहा है माइनस पाई बाई टू। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो साइन टी है इसके अंदर आपकी ऑड सिमेट्री होती है, और इसके अंदर जो एंगल ऑफ सी एन को हमने प्लॉट किया है उसके अंदर केवल दो ही एंगल आ रहे हैं। तो हम इसको देख के भी बता सकते हैं कि जो इससे जो सिग्नल बना होगा एक्स टी, उसके अंदर श्योरली ऑड सिमेट्री रही होगी। यहाँ पे आप ऐसा मत सोच लेना कि एन इक्वस टू जीरो पे एंगल ऑफ सी एन जीरो है। एन इक्वस टू जीरो के लिए है ही नहीं यहाँ पे कुछ, एन इक्वस टू जीरो के लिए एंगल ऑफ सी एन कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ सी एन है वो जीरो पे कुछ कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसा नहीं सोच लीजिएगा यहाँ पे जो एंगल ऑफ सी एन है वो जीरो डिग्री आ रहा है, नहीं, यहाँ पे जीरो डिग्री नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एंगल ऑफ सी एन एन इक्वस टू जीरो के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे सी वन और सी माइनस वन ही एग्जिस्ट करते हैं साइन टी के लिए। तो इसलिए एक तो माइनस पाई बाई टू एंगल आया है, एक पाई बाई टू, जीरो एंगल यहाँ पे नहीं आया है। हाँ, अगर ऐसा एग्जाम्पल हो जिसके अंदर यहाँ पे जीरो आ जाए, तब हम बोल सकते हैं कि जो इससे जो एक्सटी सिग्नल बनेगा वो हमारा, उसके अंदर हमारी जो ओड वेव सिमेट्री है वो नहीं होगी, ओड सिमेट्री नहीं होगी। इसके अंदर भी पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू प्रजेंट है, तो इसके अंदर भी होगी आपकी ओड सिमेट्री। इसके अंदर भी पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू प्रजेंट है, इसके अंदर भी होगी आपकी ओड सिमेट्री। पर अगर यहाँ पे एंगल जीरो आ जाता, मतलब एन इक्वल टू जीरो पे इसका एंगल है वो जीरो डिग्री आ जाता, तो उस कंडीशन के अंदर हम बोलते हैं कि इसके अंदर आपकी ओड सिमेट्री नहीं है। और ऐसा केस कब बनेगा जब यहाँ पे एंगल जीरो आ जाए? मान लीजिए कि जो अक्स टी है वो आपका साइन टी की जगह टू प्लस साइन टी आ जाए, तो यहाँ पे जो सी ज़ीरो है, उस सी ज़ीरो है आपका
टू, तो एंगल ऑफ सी ज़ीरो हो गया आपका 0 डिग्री, तो ये आ गया यहाँ पे 0 डिग्री, 0 डिग्री आ गया। इसका मतलब जो ये है आपका एक्स टी सिग्नल का फेज स्पेक्ट्रम, और इसके अंदर पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू और 0 डिग्री प्रेजेंट है। इसका मतलब जो एक्स टी है हमारा सिग्नल, उसके अंदर और सिमेट्री नहीं है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि एक्स ऑफ माइनस टी यहाँ से नॉट इक्वल्स टू है माइनस ऑफ एक्स टी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर आपकी और सिमेट्री नहीं है। अब थर्ड सिमेट्री है हमारी हाफ वेव सिमेट्री। तो हाफ वेव सिमेट्री क्या बोलती है, एक्स टी प्लस माइनस टी बाई टू इक्वल्स टू आ जाए अगर आपके पास माइनस ऑफ एक्स टी के, मतलब कोई सिग्नल है जिसका टाइम पीरियड टी है और उसके अंदर हम टी बाई टू, टी प्लस माइनस टी बाई टू कर दें, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा आ जाए माइनस ऑफ एक्स टी। तो ऐसे सिग्नल के अंदर होती है हमारी हाफ वेव सिमेट्री। अच्छा, ओड सिमेट्री के लिए हमारा जो ए नोट ए एन बी एन है उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। पहले हम देख लेते हैं ओड सिमेट्री के लिए जो ए एन, ए नोट और बी एन है उनकी वैल्यूज़ क्या आएगी। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पे एक बार इसको आप छोड़िए, ओड सिमेट्री की बात कर रहा हूँ, तो ओड सिमेट्री के लिए आपको पता है कि जो ए एन है वो आता है 2 डिवाइडेड बाई टी इंटीग्रेशन माइनस ऑफ टी बाई टू टू प्लस ऑफ टी बाई टू एक्स ऑफ टी कोस ऑफ ओमेगा एन ओमेगा नोट टी, और ये आ गया आपका डी टी। तो ए एन इक्वल्स टू हो गया ये आपका, तो यहाँ पे जो ये पूरा सिग्नल है ये आपका ओड है। क्यों? क्योंकि ये आपका इवन और ये आपका ओड है, हम केवल ओड सिग्नल के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओड सिमेट्री के लिए बात कर रहे हैं। तो ये पूरा क्या हो गया, ओड। तो इस कंडीशन के अंदर जो ए एन है वो इक्वल्स टू आएगा 0। और हमने कुछ देर पहले भी बताया था कि जो जिसके अंदर ओड सिमेट्री होती है उसके लिए आपका जो ए एन होता है वो आपका 0 होता है। अब बात करते हैं हम ए नोट के लिए, तो ए नोट आएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई टी इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू एक्स ऑफ टी डी टी, क्योंकि यहाँ पे ये जो सिग्नल है ये हो गया ओड, तो ये इक्वल टू आएगा 0। तो हम जो हमारी ओड सिमेट्री है उसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो ए एन और जो ए नोट है वो दोनों श्योरली 0 आएंगे हमारे। तो ए एन और ए नोट हमारे जिस सिग्नल के अंदर आपकी ओड सिमेट्री होगी उसके अंदर ए एन और ए नोट आपका 0 होगा, उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिग्नल के अंदर ये पता लगा लिया कि हमारे सिग्नल के अंदर ओड सिमेट्री है, तो उस कंडीशन के अंदर आप ए एन और ए नोट को डायरेक्ट ही 0 बता सकते हो। तीसरा आता है आपके पास बी एन, तो बी एन इक्वल्स टू होता है आपके पास 2 डिवाइडेड बाई टी इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू एक्स ऑफ टी साइन ऑफ एन ओमेगा नोट टी डी टी। ये ओड है, ये ओड है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया आपके पास इवन, तो ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई टी 0 टू टी बाई टू एक्स ऑफ टी साइन ऑफ एन ओमेगा नोट टी डी टी। तो आप माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू लिमिट सोल्व करने की बजाय आप 0 टू टी बाई टू सोल्व कर लीजिए और इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास बी एन। तो ओड सिमेट्री के अंदर केवल आपको बी एन कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, बाकी के दो ए नोट और ए एन आपके 0 होते हैं। इवन के अंदर क्या था, इवन के अंदर केवल आपका बी एन 0 था, ए 0 के बारे में वहाँ हम कोई कमेंट नहीं कर सकते थे और ए एन की वहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही थी। तो ये हो गई हमारी ओड सिमेट्री, इसके बारे में मैंने अब आपको कंप्लीट बता दिया। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी जो तीसरी सिमेट्री थी हाफ वेव सिमेट्री। तो हाफ वेव सिमेट्री का मैंने स्टेटमेंट आपको लिखवाया था कि एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी बाई टू अगर इक्वल टू आ जाए आपके पास माइनस ऑफ एक्स टी के, तो उस सिग्नल के अंदर आपकी होती है हाफ वेव सिमेट्री। जैसे इसका एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ मैं, ये आपकी एक स्क्वायर वेव है, ये है 0, ये है 1, ये है 2, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया 2, ये हो गया आपका माइनस 1। तो आप एक काम कीजिए कि ये 0.5 है, ये है आपका 0.5। तो एक बार तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स टी प्लस माइनस टी बाई टू का मतलब हो गया यहाँ पे 1, ये इक्वल टू आ गया अगर आपका माइनस ऑफ एक्स टी के, तो हमारे सिग्नल के अंदर हाफ वेव सिमेट्री होगी। तो ये हम चेक करते हैं,
चलिए सबसे पहले t इक्वल टू पुट करते हैं हम 0.5, तो x 0.5 प्लस माइनस 1, अगर ये इक्वल टू आ जाए हमारे x ऑफ 0.5 के माइनस ऑफ x ऑफ 0.5 के, तो इस सिग्नल के अंदर होगी हमारी हाफ वेव सिमेट्री। तो चेक करते हैं इसके अंदर होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले 0.5 प्लस 1, तो ये इक्वल टू आ गया x ऑफ 1.5। तो x ऑफ 1.5 कितना है, x ऑफ 1.5 कितना है, ये है 1.5, ये इक्वल टू, ये अगर हाइट 1 है और ये आपकी माइनस 1 है, तो x ऑफ 1.5 इक्वल टू आ गया माइनस 1 के, और x ऑफ 0.5 कितना है, x ऑफ 0.5 कितना है 1 के इक्वल टू, तो ये भी आ गया आपका माइनस 1 के। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अक्स टी प्लस टी बाई टू इक्वल टू आ रहा है आपका माइनस ऑफ अक्स टी के। इसके अलावा हम माइनस साइन पुट करके देखते हैं, यहाँ पे माइनस साइन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अक्स ऑफ माइनस 0.5, तो अक्स ऑफ माइनस 0.5 भी कितना आ रहा है आपका माइनस 1। तो ये आपका दोनों इक्वल है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो ये सिग्नल है हमारा, इसके अंदर हाफ वेव सिमेट्री है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ये है हमारी एक ट्रायंगुलर वेव, तो इसके अंदर हमको चेक करनी है कि इसके अंदर आपकी हाफ वेव सिमेट्री है या नहीं। तो ये जो सिग्नल है हमारा, इसके अंदर आपको ओड सिमेट्री तो दिख रही होगी यहाँ पे, क्योंकि एक्स ऑफ माइनस टी इक्वस टू आ रहा है आपका माइनस ऑफ एक्स टी के। तो इसके अंदर कौन सी सिमेट्री है आपकी, इसके अंदर है आपकी ओड सिमेट्री, वो तो हमको यहाँ पे दिख रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर है और यहाँ पे ये नीचे है, मतलब इसकी जस्ट कॉपी है, कॉपी है इधर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब भी कॉपी होती है हमारी, तो वहाँ पे होता है हमारा, हमारी ओड सिमेट्री। और अगर आपकी जो वाई एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में सिमेट्री होती है, तो उसके अंदर होती है हमारी इवन सिमेट्री। जैसे फॉर एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कोस फंक्शन, कोस फंक्शन जैसा इधर है वैसा ही उधर दिख रहा है आपको, तो इसके अंदर इवन सिमेट्री है। और साइन की अगर हम बात करें, तो यहाँ से ये इसकी इमेज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो इधर ही आएगा, तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इमेज आ रही है, तो ये हो गया आपका ओड सिमेट्री। और ओड सिमेट्री के अंदर ध्यान रखने की बात ये है कि आपका जो ए नॉट होता है वो भी ज़ीरो होता है, ए नॉट होता है वो ज़ीरो होता है, इसका मतलब जो इसकी एवरेज वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी ज़ीरो। तो इसकी एवरेज वैल्यू आपकी ज़ीरो आ रही है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो इसकी एवरेज वैल्यू आ रही है आपके पास ज़ीरो। तो इसके अंदर आपकी ओड सिमेट्री है, तो इसके अंदर हमको चेक करना है कि हाफ सिमेट्री है या नहीं। ओड सिमेट्री तो हमको यहाँ पे दिख गई कि ओड सिमेट्री तो यहाँ पे श्योरली है। अब बात करते हैं हम कि ओड सिमेट्री है या नहीं। तो ये पॉइंट मान लीजिए कि आपका है 0.5, ये होगा आपका 1.5 और ये होगा आपका माइनस का 0.5। तो हम लेते हैं सेम एक्स टी, टी की वैल्यू कितनी है 1, ये कॉस्ट होना चाहिए माइनस ऑफ एक्स टी के। तो आप टी की कुछ वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, जैसे 0.5 पुट करता हूँ मैं, तो एक्स 0.5 प्लस 1, तो ये आ गया आपका एक्स ऑफ 1.5। एक्स ऑफ 1.5 पे वैल्यू इसकी क्या आ रही है, नेगेटिव। मान लीजिए नेगेटिव के अंदर कुछ भी आ रही है, ये 1/2, मान लीजिए 1/2, मैं एक बार मान रहा हूँ कि 1/2 आ रही है 1.5 पे। अब टी की वैल्यू आप 0.5 रखिए यहाँ पे, एक्स ऑफ 0.5 के अंदर ये सेम वैल्यू पॉजिटिव के अंदर आएगी, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका माइनस 1/2 0.5 पे, क्योंकि आपने t इक्वल टू 0.5 रखा है। तो 0.5 ये बन गया 1.5 और ये बन गया आपका माइनस एक्स ऑफ 0.5। तो माइनस एक्स ऑफ 0.5 यानी माइनस का 1/2 और एक्स ऑफ 1.5, इसका 1.5 ये भी कितना आ गया आपका माइनस का 1/2। तो इसका मतलब इस सिग्नल के अंदर भी आपकी हाफ वेव सिमेट्री है। अब जिस सिग्नल के अंदर आपकी हाफ वेव सिमेट्री होती है, उसके अंदर जो ए नॉट है उसकी वैल्यू होती है आपकी ज़ीरो। तो जो ए नॉट है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, क्यों होती है हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। तो अगर किसी सिग्नल के अंदर हाफ वेव सिमेट्री है, तो हम कन्फर्म बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो ए नॉट है उसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी, और इसके अंदर जो इवन हार्मोनिक होगी वो आपकी ज़ीरो रहेगी। तो यहाँ पर जो इवन हार्मोनिक्स है वो नहीं रहेगी, इवन हार्मोनिक यहाँ पर प्रजेंट नहीं रहने वाली है, यहाँ पे केवल आपकी ओड हार्मोनिक ही प्रजेंट रहेगी। इसका मतलब या तो आ सकता है आपका, अगर इसका फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन लिखे तो या तो आ सकता है आपका साइन ऑफ ओमेगा टी, या आ सकता है आपका साइन ऑफ 3 ओमेगा टी, कोस ऑफ 3 ओमेगा टी आ सकता है, कोस ऑफ 5 ओमेगा टी आ सकता है, साइन ऑफ 5 ओमेगा टी आ सकता है, कोस ऑफ ओमेगा टी आ सकता है, पर साइन ऑफ 2 ओमेगा टी आपका कभी भी नहीं आएगा। तो जिस सिग्नल के अंदर आपकी हाफ वेव सिमेट्री होती है, उसके अंदर ए नॉट की वैल्यू ज़ीरो होती है और केवल
ओड हारमोनी की प्रजेंट रहती है, इवन हारमोनिक वहाँ पे नहीं प्रजेंट होती है। तो ये बात कर ली हमने हाफ वेव सिमेट्री की, और हाफ वेव सिमेट्री जिस सिग्नल के अंदर होती है उसका जो फोरियर सीरीज कोफिशेंट आता है सी एन, उसके एंगल ऑफ सी एन के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। जैसे हमारी इवन सिमेट्री थी वहाँ पे हम ए नॉट के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते थे, ऐसे ही एंगल ऑफ सी एन के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते जहाँ पे आपकी हाफ वेव सिमेट्री होती है। अब हम फोर्थ सिमेट्री की बात करते हैं, तीन सिमेट्री आपकी हो चुकी है, फोर्थ सिमेट्री की बात करते हैं जिसके अंदर इवन सिमेट्री भी हो और हाफ वेव सिमेट्री भी हो। इवन सिमेट्री भी है आपकी और हाफ वेव सिमेट्री भी है। इवन सिमेट्री होने का मतलब, इवन सिमेट्री का मतलब आपका जो बी एन है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। इवन सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि बी एन इक्वल टू ज़ीरो होगा और जो एंगल ऑफ सी एन होगा वो इक्वल टू होगा आपका ज़ीरो या प्लस माइनस पाई। ये हमने इवन सिमेट्री के अंदर पढ़ा था, तो आपको ये याद होना चाहिए कि इवन सिमेट्री के लिए एक तो बी एन इक्वल टू ज़ीरो होता है और एक एंगल ऑफ सी एन इक्वल टू होता है ज़ीरो प्लस माइनस पाई। और हाफ वेव सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि जो ए ज़ीरो होता है वो इक्वल टू होगा हमारा ज़ीरो। तो अगर किसी सिग्नल के अंदर इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्री भी, इवन सिमेट्री और हाफ वेव सिमेट्री, तो उसके लिए ए नॉट ज़ीरो होगा, बी एन हमारा ज़ीरो होगा और जो एंगल ऑफ सी एन है वो ज़ीरो और प्लस माइनस पाई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोसाइन वेव की, तो कोसाइन वेव के लिए इसकी एवरेज वैल्यू ज़ीरो आएगी, तो इसके लिए जो ए नॉट है वो इक्वल टू होगा ज़ीरो और इसके लिए जो बी एन आएगा वो भी आपका आएगा ज़ीरो और जो इसका एंगल आएगा वो आएगा आपका प्लस माइनस पाई या फिर आएगा आपका ज़ीरो डिग्री। तो ये हो गई आपकी इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्री। तो इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्री के लिए आपकी होती है तीन कंडीशंस। अब बात करते हैं हम फाइव नंबर की सिमेट्री की, जिसके अंदर हम ओड प्लस हाफ वेव सिमेट्री की बात करेंगे। तो फिफ्थ है हमारा ओड हाफ वेव सिमेट्री। तो ओड सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि जो किस किस की वैल्यू ज़ीरो आएगी, ए नॉट की वैल्यू ज़ीरो आएगी और जो ए एन है उसकी वैल्यू भी ज़ीरो आएगी और एंगल ऑफ जो सी एन आएगा वो आएगा आपका प्लस माइनस पाई बाई टू। और हाफ वेव सिमेट्री से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए नॉट है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा, वो तो पहले से आ रहा है और क्या होगा, और यहाँ पे केवल आपकी ओड हार्मोनिक प्रजेंट रहेगी, आपकी ओड हार्मोनिक प्रजेंट रहेगी। ये हमको हाफ वेव सिमेट्री से पता लगा। पिछले एग्जाम्पल के अंदर भी, पिछली सिमेट्री के अंदर भी, यहाँ पे भी हमारी केवल ओड हार्मोनिक ही प्रजेंट होगी, यहाँ पे केवल आपकी ओड हार्मोनिक प्रजेंट होगी। इसका जब आप फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन लिखोगे तो वहाँ पे केवल आपके पास ओड हार्मोनिक ही आएगी। तो इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्री के अंदर जो बी एन ए नॉट सी एन और कौन सी हार्मोनिक प्रजेंट रहेगी, ओड हार्मोनिक। यहाँ पे ओड से तो हमको पता चला ये तीन चीज़ें, और हाफ वेव सिमेट्री ने हमको क्या बताया, हाफ वेव सिमेट्री ने हमको बताया कि केवल यहाँ पे आप अगर किसी सिग्नल के अंदर दोनों सिमेट्री देख लेते हो तो वहाँ पे आपके जो फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन होगा वहाँ पे केवल ओड हार्मोनिक्स आएगी और उसके लिए ए नॉट जीरो होगा, ए एन ज़ीरो होगा और एंगल ऑफ सी एन आपका ज़ीरो होगा। तो एक ऐसे सिग्नल का एक एग्जांपल लेते हैं हम जिसके अंदर ओड प्लस हाफ वेव सिमेट्री दोनों है। तो ये है वो सिग्नल आपका, ये है आपका वन, ये है आपका टू, यह है आपका मान लीजिए ए, यह है आपका माइनस ए। तो इस सिग्नल के लिए हमने फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकाला था, अगर आपको याद हो तो इसके लिए सी एन आया था आपके पास टू ए अपॉन जे एन पाई और जब एन हमारा क्या हो ओड। इसके अंदर हमने थोड़ी देर पहले चेक किया था कि इसके अंदर कौन कौन सी सिमेट्री आती है। यहाँ पे एक तो ओड सिमेट्री है और मैंने पिछले एग्जाम्पल कुछ थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके अंदर एक हाफ वेव सिमेट्री भी है। तो दो सिमेट्री है इसके अंदर, ओड सिमेट्री है और हाफ वेव सिमेट्री। ओड सिमेट्री कैसी है, क्योंकि ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या है, इसकी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इमेज लेंगे तो ये आएगा, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे है हमारी ओड सिमेट्री और इसके अंदर हाफ वेव सिमेट्री है। तो इसके अंदर होना क्या क्या चाहिए, एक तो जो ए नॉट है वो जीरो आना चाहिए, तो आप जब इसकी एवरेज वैल्यू लोगे तो वो आएगा आपके पास ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आप देख रहे हैं कि सी एन में केवल आपकी इमेजनरी टर्म प्रजेंट है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इसके लिए जो ए एन आएगा वो भी आएगा आपका ज़ीरो। चलिए और इसको थोड़ा, सी एन इक्वल टू होता है आपका ए एन माइनस जे बी एन डिवाइडेड बाई टू,
ये इक्वल्स टू आ गया आपका 2 माइनस 2 ए, जे को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये हो गया एन पाई, और एन आपका है ओड, ये हो गया आपका ए एन माइनस जे बी एन इक्वल्स टू हो गया -4AZ अपॉन एन पाई। तो यहाँ से जो ए एन है वो तो जीरो है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रियल टर्म प्रजेंट नहीं है, और जो बी एन है वो इक्वल टू आ गया आपका 4A अपॉन एन पाई, तो ये आ गया आपका बी एन। तो इस सिग्नल के लिए हम अगर फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन लिखे तो वो इक्वल टू आएगा ए नोट, ए नोट तो यहाँ पे जीरो है तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity, और यहाँ पे आएगा आपका बी एन, क्योंकि ए एन तो आपका यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे आएगा बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा नोट टी। तो इसको हम ओपन करते हैं, तो सबसे पहले एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 ओड है तो ओड के लिए एग्जिस्ट करेगा, तो ओड के लिए आ जाएगा 4A अपॉन पाई में कॉमन ले लेता हूँ, तो आ जाएगा 1 अपॉन 1, और ये आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी। अब आप पुट कीजिए एन इक्वस टू 2, एन इक्वस टू 2 के लिए बी टू की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 2 आपका इवन है, तो बी टू हो गया 0। अब हम बात करें 3 की, तो 3 की तो ये 4A अपॉन पाई तो मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3, और ये आ जाएगा साइन ऑफ 3 ओमेगा नॉट टी। ऐसे ही आ जाएगा 1 अपॉन 5 साइन ऑफ 5 ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस सिग्नल के अंदर आपकी ओड और हाफ वेव सिमेट्री दोनों है, तो यहाँ पे आपका ए नॉट जीरो है, ए एन जीरो है, और जो एंगल ऑफ सी एन आएगा, एंगल ऑफ सी एन जो सी एन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे केवल इसके अंदर जे प्रेजेंट है, तो एंगल ऑफ सी एन आएगा आपका +-π/2, ये भी आपको यहाँ से पता लग गया। और ओड हार्मोनिक का पता कैसे लगा, जब आपने इसका फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन लिखा तो यहाँ पे एक तो आ रहा है फर्स्ट हार्मोनिक आ रही है, फिर थर्ड हार्मोनिक आ रही है, तो यहाँ पे आपकी इवन हार्मोनिक नहीं आ रही, तो यहाँ से हमने ओड प्लस हाफ वेव सिमेट्री का पता लगाया सिग्नल के अंदर, और यहाँ से हमको बहुत सारी चीज़ें पता लग गई। आपको इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकती हो कि जो इसका सिग्नल आएगा, इसका फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन आएगा, वहाँ पे ओड हार्मोनिक होगी, उसके लिए ए नॉट जीरो होगा, ए एन जीरो होगा, एंगल ऑफ सी एन इक्वल टू +-π/2 होगा। तो आगे वीडियो के अंदर मैं इसके कुछ और एग्जाम्पल सोल्व कराऊंगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।